अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फहद बलोच है और आज मैं कार एक्सीडेंट केस के अंदर एक अपडेट भी दूंगा आपको और ये भी बताऊंगा कि बहुत सारी अफवाहें जो लोग उड़ा रहे हैं, जिसके अंदर एक अफवाह ये है कि वो बंदी जो है वो दुबई भाग गई है, वो बंदी जेल में नहीं रह रही, वो बंदी बाहर है, उस बंदी की जगह किसी और को जो है वो जेल भेज दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जेल में है। वुमेन और बायो आईएस जेल है हमारी, उसके अंदर जो है वो उसको रखा गया है कराची के अंदर। और एक चीज़ मैं ये अहम डेवलपमेंट बताता चलूँ कि इस केस के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसने अब तक 114 पाकिस्तान पिनल कोड जो है वो इंसर्ट नहीं की है, जिसके तहत जो गाड़ी होती है उसके मालिक की भी FIR काटी जाती है। जैसा कि हम सबको पता है कि उस गाड़ी का मालिक जो है वो कौन होगा, उसका शौहर होगा या तो खातून का, या वो गाड़ी जो है वो कंपनी के नाम पे, तो वो किसको अलॉट हुई हुई है, जिसको अलॉट हुई हुई है उसकी FIR भी होगी। तो 114 के तहत इस पे FIR काटी जाए और FIR में इंसर्ट किया जाए उस बंदे को भी जिसके नाम पे गाड़ी की, जो मालिक है। आमतौर पर जब एक्सीडेंट होता है तो FIR इस तरह काटी जाती है कि मालिक को भी FIR में डाला जाता है और जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसको भी गाड़ी उसमें डाला जाता है FIR में। तो अब इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने अब तक गाड़ी के मालिक का कोई जिक्र नहीं किया है। तो गाड़ी का मालिक कौन है? कंपनी है, ठीक है, कंपनी ने जिसको अलॉट किया उसकी FIR होगी। अगर वो नताशा के नाम पर तो ठीक है, फिर तो नताशा की एक और तहत जो है सेक्शन के तहत उसका ट्रायल चलेगा। और इसमें दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारी अफवाहों के साथ एक अफवाह ये चल रही है कि उन्होंने जो है पैसे ऑफर किए हैं, फैमिली पैसे ले रही है। फैमिली ने क्लियर कट पैसे लेने से इनकार कर दिया है। फैमिली ने बोला है हमें दियत या कंपनसेशन कुछ नहीं चाहिए, हमें इस बंदी को जेल भेज के रखना है, ये जेल में रहे, इसको सज़ा मिले। क्योंकि देखा ये जाए कि जो विक्टिम की फैमिली है वो कोई ऐसी नहीं है कि आप बोलें कि वो फ़ौरन ही दियत मांग लेगी और दियत ले लेगी, वो भी एक अच्छे बैकग्राउंड के अच्छे लोग हैं। तो जो लोगों ने अपनी एक अफवाहें उड़ाई हुई हैं उन अफवाहों से गुरेज करें और इस केस के अंदर बग़ैर तस्दीक की बातें ना बोलें कि इसमें ये होगा इसमें वो होगा। अब देखना ये है कि 144 PPC जो है वो इंसर्ट होती है, जो कि मैं आपकी स्क्रीन पे भी शो कर चुका हूँ, वो इंसर्ट होने के बाद क्या कार्रवाई होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए, बेल बिल्कुल ये डिज़र्व नहीं करती कि इसको बेल दी जाए। उसके बाद ये देखते हैं कि आगे इस केस में मज़ीद क्या होता है। आप सबसे ये डिटेल शेयर करना ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आज ये कंटेंट जो है अपना बना के आपके लिए रखा है। आप वीडियो को शेयर करें और प्रोफाइल को फॉलो करें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, लवाहिकीन को याद रखें और इस ये दुआ करें कि हम इस जंग में कामयाब हों। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकअल्लाह।